और वो जरूरी था कि उसको जल्दी से रिपेयर करके ऑपरेशन करना, मगर सबसे चिंता की बात ये थी कि भुज गांव, ये जब बहुत बॉम्बिंग हो रही थी तो भुज गांव वाले सब गांव छोड़ के भाग गए थे, हमारे कॉन्ट्रैक्टर, हमारा लेबर सब भाग गए थे और हमारे पास कोई नहीं था। ऐसे विकट परिस्थिति में ये महिलाएं माधापुर गांव की आई, सरपंच से बात किए और महिलाओं से बात करके पहले 30 आए, 40 आए, करते बढ़ते बढ़ते उसकी संख्या पूरे गाँव ही आ गया। और उन्होंने बहुत मेहनत से बिना डरे, वॉर चल रही थी, बॉम्बिंग हो रहा था, टाइम बॉम्ब फूट रहे थे, जहाँ आदमी डर रहे थे आने के लिए आसपास, वहाँ औरतें ने अंदर आके वॉर जोन में आके बहुत बड़ी कारगिरी की और इसकी मिसाल कहीं भी नहीं है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोई औरत ने आके अपना मोर्चा इस तरह से संभाला। ये मूवी देखना ज़रूर जाना है अपने को साथ सब फैमिली देख के, क्योंकि इसमें स्टोरी बताई है, ये स्टोरी विक्रम बत्रा की है, ये स्टोरी बॉर्डर की है। इस तरह का जब आता जज्बा फिर देश बड़ा बनता है, नहीं तो लोग पार्लियामेंट ही काम नहीं करने देते तो कहाँ के देशभक्त बने भैया। पार्लियामेंट ही आप काम नहीं करने देते, पार्लियामेंट नहीं चला सकते, चलाने देते ऐसे लोगों तो देशद्रोही का बाप है, टेररिस्ट से भी खराब है। ऐसा मेरा, मैं मिलिट्री वाला हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ। थैंक यू। जब कोई भी रशियन शादी करता है, उसका शादी होते साथ मंडप से जाके बीबी को ले जाके वहाँ जाके उसको वो शहीद स्मारक को हार चढ़ाता है, इस तरह की जो लगन है शहीदों के बारे में, ये हिंदुस्तान में नहीं है, इसे भी लाना बहुत ज़रूरी है। वो बस पढ़ लेते हैं कि वो चार लोग श्रीनगर वो अटैक में शहीद हो गए, लोगों को पेपर दे के फेंक देते हैं, या तो टीवी देख के बाद में क्रिकेट मैच लगा देते हैं। यह बहुत मतलब ये ऐसी बात है कि इस तरह से पेट्रियाटिज्म नहीं आ सकता।